जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां कुलदीप बिश्नोई से राहुल गांधी की नहीं हुई मुलाकात, कुलदीप बिश्नोई ले सकते हैं बड़ा फैसला। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा जनहित कांग्रेस के कांग्रेस में विलय के दौरान राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई से कुछ बड़े वादे किए थे। 6 साल तक उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। हरियाणा कांग्रेस के वर्तमान विवाद में भी राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की हरी झंडी दिखा चुके थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने प्रियंका गांधी के साथ सेटिंग करके रातों रात पासा पलट दिया और उदयभान को अध्यक्ष बनवा दिया। कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से मिलकर बात स्पष्ट करना चाहते थे, लेकिन 1 महीने में राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। अगर राहुल गांधी समझदार होते तो वे कुलदीप बिश्नोई को तुरंत बुलाकर अपनी मजबूरियों का हवाला देकर उन्हें रजामंद कर लेते, लेकिन ऐसा करने की बजाय राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई को अनदेखा कर दिया। यह भी तब किया गया जब कुलदीप बिश्नोई का 1 वोट राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहद महत्व रखता है। ऐसे नाजुक मौके पर राहुल गांधी ने कुलदीप बिश्नोई से मिलना जरूरी नहीं समझा। पिछले 10 साल के दौरान राहुल गांधी को देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बनाया गया, लेकिन राहुल गांधी न तो पार्टी की कसौटी पर खरा उतर पाए और न ही जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं। हरियाणा आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई को राजी करके राहुल गांधी हरियाणा और राजस्थान दोनों में कांग्रेस की सरकार बनवाने का गोल्डन चांस हासिल कर सकते थे, क्योंकि हरियाणा में जहां गैर जाट वोटरों पर आज भी भजनलाल परिवार का असर है, तो वहीं राजस्थान में 30 से अधिक सीटों पर बिश्नोई वोटर हार जीत का फैसला करते हैं। 2018 में कांग्रेस में सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का अहम योगदान रहा। हरियाणा और राजस्थान दोनों में कुलदीप बिश्नोई को प्रमोट करके कांग्रेस सरकार बनाने का मजबूत दावा पेश कर सकती थी, लेकिन राहुल गांधी को कुलदीप बिश्नोई का महत्व समझ नहीं आया। राहुल गांधी की अनदेखी और कमजोरी के चलते कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस छोड़ चुके दूसरे बड़े नेताओं की तरह बड़ा फैसला लेने की दहलीज पर खड़े हो गए हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।